किसानों से खेती में मछली पालन करने के नाम पर फर्जी फीस फॉर्चून प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर पूरे भारत में लगभग 90 करोड़ के घोटाला का मामला सामने आया है। पूरे भारत में 90 करोड़ का घोटाला दुर्ग पुलिस द्वारा बताया जा रहा है। इसमें लगभग 5 करोड़ का घोटाला तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हुआ है। फिश फॉर्चून कंपनी ने जालसाजी कर किसानों को अपना शिकार बनाया है। इस बात की शिकायत लंबे समय से दुर्ग पुलिस को मिल रही थी, लेकिन FIR बीते कुछ माह में दर्ज हो पाई, जिसके बाद आरोपी की पतासाजी की गई। दुर्ग पुलिस को पता चला है कि आरोपी राजस्थान के जेल में बंद है। इसके बाद आरोपियों को राजस्थान के जेल से 4 दिन के रिमांड में दो मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार कश्यप और विनय शर्मा को दुर्ग मोहन नगर थाना लाया गया। वहीं तीसरे मुख्य फरार आरोपी दुर्ग निवासी सुधीर मंडावी की तलाश अभी भी जारी है। पूरे मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने इस प्रकार से दी है। की तरह धोखाधड़ी का एक मामला है, जिसमें हमने दो डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है, जो फिश फार्मिंग कंपनी नाम से इन्होंने छत्तीसगढ़ में कंपनी चला रखा था, और इन्होंने लगभग हमारे जिले में 47 कृषकों को धोखाधड़ी करके 5.5 लाख रुपए ईट से लेकर धोखाधड़ी का काम किया है। इसमें इन्होंने झांसा दिया कि ये फिश फार्मिंग का काम करेंगे, इनके इलाके इनका जो खेत रहेगा खेत में फिश फार्मिंग डेवलप करके इनको पर मंथ 67,000 रुपये लाभ पहुँचाएंगे। ऐसा करते हुए इन्होंने पूरा एक चैन बना रखा था, और जब इसकी शिकायत थाने में हुई तो हम लोगों ने अपराध दर्ज किया। और चूंकि ऐसा ही मामला इन्होंने देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार के क्राइम इन्होंने किया है, उसी पर से भीलवाड़ा पुलिस ने भी इनको गिरफ्तार किया हुआ था। जब हमारी टीम इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने इनके मूल गुड़गांव दिल्ली गई, तो वहाँ पता चला कि भीलवाड़ा की टीम इनको गिरफ्तार करके ले गई है। उस पर से हमने प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए भीलवाड़ा से इनको लेकर आया हुआ है। अभी 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया हुआ है, पुलिस रिमांड पर से अगली कार्रवाई हमारे द्वारा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।